हे दोस्तों, दूसरों को समझना इंटेलिजेंस की निशानी है, लेकिन खुद को समझना इंटेलिजेंस है। दूसरों पर महारत हासिल करने की एबिलिटी एक ताकत है, लेकिन खुद पर महारत हासिल करना ही सच्ची ताकत है। आपके दो वर्जन्स हैं, एक जो आप अभी है और एक जो आप होने की एस्पिरेशन रखते हैं। इन दो वर्जन्स के बीच में हमेशा गैप रहता है। जब हम अपनी रियल एबिलिटी को साकार करने की बात करते हैं, तो हम इस गैप को भरने की बात करते हैं। ऑथर ने अपने लाइफ में इस गैप को जल्दी महसूस किया और तब उन्होंने पर्सनल मास्टरी हासिल की। ऑथर ने लास्ट 5 ईयर्स में 14,000 घंटे से अधिक का टाइम दिया और यह जाना कि पर्सनल मास्टरी की 8 बेसिक प्रिंसिपल्स पर निर्भर करती है, जिसे वे 8X फैक्टर्स कहते हैं। इन 8X फैक्टर्स को फॉलो करके आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आज की बुक समरी है द लास्ट बुक फॉर योर बेस्ट लाइफ, जिसे लिखा है पुष्कर राज ठाकुर ने। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कंटिन्यूअस अपलिफ्ट्स थॉट्स। हर व्यक्ति के लिए रियलिटी अलग है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार ऑथर ग्रीस के एक बीच पर थे जहां बिकिनीज में बहुत सारी विमेन थीं। ऑथर के फ्रेंड्स उनसे बात करने के लिए एक्साइटेड थे। उसी टाइम एक बुजुर्ग व्यक्ति उन विमेन को देखकर कहने लगा कि उनमें कोई शर्म नहीं है, वे खुले में इस तरह कैसे घूम सकती है। अब आप देखिए दो अलग अलग व्यक्ति और उनके दो अलग अलग अप्रोच। यह आपके बिलीफ सिस्टम पर निर्भर करता है। आपके आइडियाज को आपके बिलीफ सिस्टम से फिल्टर किया जाता है और बाद में आपके ओपिनियन और थॉट बनते हैं। यदि आपका बिलीफ सिस्टम सक्सेस की ओर झुका है तो सब कुछ पॉजिटिवली फिल्टर्ड होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास क्या हो रहा है। इसी तरह की घटना एक स्कूल के लड़के के साथ हुई। वह स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में उसके स्कूल के कुछ साथियों ने उसे रोककर उसे मारा और उससे कहा कि तुम किसी चीज के लायक नहीं हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम सबसे खराब स्टूडेंट हो पूरे स्कूल में। जैसे जैसे वह लड़का बड़ा होता गया, उसने उन सभी बातों को सच मान लिया। पहले वह सब कुछ अच्छा कर रहा था, स्कूल में अच्छे मार्क्स लाता था, सभी से बात करता था, लेकिन नेगेटिव बिलीफ की वजह से एग्जाम्स में उसके मार्क्स बहुत ज्यादा कम हो गए। उसने लोगों से बात करना बंद कर दिया क्योंकि उसने लोगों की बातों पर बिलीव कर लिया था। आपने देखा कि कैसे बिलीफ्स हमारी जिंदगी बदलते हैं। आपको अपने आसपास की नेगेटिविटी को अपने दिमाग में जाने से रोकना है, क्योंकि वही है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। आपको उन लोगों पर बिलीव नहीं करना है जो आपके अगेंस्ट बोलते हैं। आपका बिलीफ सिस्टम आपकी थॉट प्रोसेस का सबसे गहरा बेस है। दो मॉर्निंग रिचुअल्स। यदि आप सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़े तो आप पाएंगे कि वे सभी सुबह बहुत जल्दी जागते हैं, लगभग 4 से 6 AM तक, और रिफ्रेश्ड फील करते हैं। तो यहाँ कुछ स्टेप्स दिए जा रहे हैं जिन्हें फॉलो करके आप जागने के बाद रिफ्रेश्ड फील करेंगे। एक, प्रिपेयर फॉर स्लीप। जिस तरह हम जिम या योगा के लिए जरूरी आउटफिट डाइट की तैयारी करते हैं, उसी तरह सोने के लिए भी तैयारी करें। मोस्टली लोग सुबह जागने पर तरोताजा फील नहीं करते और कुछ को तो रात में नींद नहीं आती। उनकी नींद अल्कोहल और मेडिकेशन पर डिपेंड करती है। मोस्टली लोग काम के बाद घर आते हैं तो वे यूजुअली पर टीवी देखने में बिजी रहते हैं। सोने से पहले सबसे बुरी चीज जो आप अपने दिमाग के साथ कर सकते हैं वह है न्यूज देखना, जो मोस्टली नेगेटिव न्यूज होती है, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन के प्रति हमारा माइंड ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। जब हम नेगेटिव थिंग्स पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो वे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है, और यूथ सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करता है। तो अपने बेडरूम से टीवी सेट को हटा दें और सोने से 15 मिनट पहले अपने फोन को दूर रख दें और हो सके तो स्विच ऑफ कर दें। दो, रीड पॉजिटिव। जब आप रात में सोने से पहले कुछ पॉजिटिव पढ़ते हैं, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और सोते टाइम आपको फीड करेगा। इससे आपको अगली सुबह के लिए पॉजिटिविटी मिलेगी। पर्सनल मास्टरी, सक्सेसफुल लोगों की ऑटोबायोग्राफीज,
सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर बुक्स रीड करें। 3. स्लीप ऑन टाइम। ऑथर कहते हैं कि मैं इम्पोर्टेंट फैमिली इवेंट्स को 8 PM तक अटेंड कर लेता हूँ और 9 PM तक घर पहुँच जाता हूँ, क्योंकि मुझे 9:30 तक सोना होता है। मुझे पता है कि एक बार यह हैबिट ब्रेक हो गई तो मैं पहले की तरह फ्रेश फील नहीं करूँगा, और यह कुछ ऐसा है जिस पर मैं समझौता नहीं करता हूँ। इसलिए अपनी नींद के लिए एक टाइम फिक्स करें और इसे हाई इम्पोर्टेंस दे। 4. थिंक एंड राइट पॉजिटिव। सोने से पहले उन सभी अच्छे कामों के बारे में सोचें जो आपने पूरे दिन में किए थे। वह चाहे लोगों की मदद करना या स्टडी करना, वह कुछ भी हो सकता है। यह आपके बॉडी में एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसे डोपामाइन कहा जाता है, जो आपको फिर से कुछ ऐसा ही करने के लिए मोटिवेट करेगा। 5. जंप आउट ऑफ बेड। सुबह जैसे ही अलार्म रिंग करे तुरंत उठ जाए, स्नूज बटन न दबाए। जब आप जाग जाए तो फिर न सोए। इसे अपने लाइफ में हर दिन लाने की ट्राई करें। आप तुरंत एनर्जी फील नहीं करेंगे, लेकिन कुछ दिनों में यह एक हैबिट में बदल जाएगी और आप एनर्जेटिक फील करने लगेंगे। 6. एक्सरसाइज। एक और बिग हैबिट जो आप अपने लाइफ को बदलने के लिए डेवलप कर सकते हैं, वह है एक्सरसाइज करना। यदि आपको बाहर जाना मुश्किल लगे तो कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आप अपने बेडरूम में भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा होगा अगर आप जॉगिंग के लिए बाहर जा सके, लेकिन अगर आप नहीं जा सकते तो घर पर 20 मिनट वर्कआउट करें। 7. मेडिटेट। यह आपकी कॉन्शियसनेस को बढ़ने में हेल्प करेगा। आप शांति से रहेंगे और आप अमेजिंग काम कर सकते हैं। 3. डेली रूटीन। मान लीजिए आप किसी पार्टी में जाते हैं और वहां एक्सलेंट डिनर को देखते हैं, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप चॉकलेट पेस्ट्री और फ्रूट सैलड में से किसे चुनते हैं। यदि आपने फ्रूट सैलड चुना तो ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपकी हेल्थ के लिए। इसका फायदा तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में इसके बहुत से फायदे हैं, इसलिए आज से इन्वेस्टर माइंडसेट को अपना ले। इसी तरह आपके पास चॉइस है कि बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर जाने के लिए आप लिफ्ट का यूज करते हैं या सीढ़ियों का। यदि आप सीढ़ियां चुनते हैं तो ये पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है। आपके पास गाना सुनने या बुक को रीड करने की चॉइस है, और आपको बुक रीड करने चुनना चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है। 30 डेज पहले अपने स्केड्यूल को प्लान करें। यदि हमारा प्लान है लाइफ में कुछ अचीव करने का, तो हमें पहले से अच्छी प्लानिंग की जरूरत है। यदि आप सेल्स में हैं, तो आपको हर दिन 5 लोगों से मिलने का प्लान बनाना चाहिए। 4. इनसेन प्रोडक्टिविटी। यदि हम स्टूडेंट, बिजनेसमैन या जॉब करते हैं, हम चाहे जो हो हमें अपने फील्ड में रिजल्ट्स चाहिए। हम मिनिमम टाइम और एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट्स चाहते हैं। क्रेजी प्रोडक्टिविटी रिसीव करने के लिए हमें डिस्ट्रैक्शंस को कम करने पर फोकस करना होगा। एक रिसर्च में ये पाया गया कि हमें 30 मिनट्स चाहिए होते हैं किसी काम पर फोकस करने के लिए, और ऑलमोस्ट हर 3 मिनट्स में हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। हमारी फोकस करने की कैपेसिटी इतनी वीक है कि यह 3 मिनट्स से ज्यादा टाइम तक काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। हम फोन एंड लैपटॉप पर नोटिफिकेशंस चेक करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। यदि आप सक्सेस एंड प्रोग्रेस चाहते हैं और यदि आप अपने सपने को जीना चाहते हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर दीजिए। टाइम की वैल्यू को बढ़ाकर हम प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। तो टाइम की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमें किसी दूसरे को काम सौंपना और न कहना सीखना होगा। इसका मतलब है कि अपना जो काम इम्पोर्टेंट न हो, वो काम को दूसरे पर्सन को देना जो आपकी पार्टिसिपेशन के बिना किया जा सकता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है जो बोला जाए वो करो। यही कारण है कि हम नहीं जानते कि कैसे नो कहना है। इसका रिजल्ट यह होता है कि हम उन चीजों को कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, उन चीजों को नहीं करते जो हमें करनी चाहिए, और इसलिए हमारे टाइम की वैल्यू में कमी आती जा रही है। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज के लिए खुद से ये क्वेश्चन करें, मेरे बिना यह कैसे हो सकता है। टाइम मैनेज करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं।
टाइम को मैनेज करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। नीदर इम्पोर्टेंट नोर अर्जेंट, मजॉरिटी लोग वे सभी एक्टिविटीज करते हैं जो न तो इम्पोर्टेंट हैं और न ही अर्जेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो गेम्स खेलना, नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपका कोई रिलेटिव एक एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गए हैं। यह आपके लिए अर्जेंट है कि आप वहां जाएं और आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन यह इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, इस टाइप्स के वर्क अर्जेंट नहीं है लेकिन वे करना इम्पोर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम के लिए स्टडी करना होगा जो कुछ महीने दूर है। इम्पोर्टेंट एज वेल एज अर्जेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम है 2 दिनों में और यदि आप अभी से एग्जाम के लिए स्टडी नहीं करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप एग्जाम में फेल हो सकते हैं। इन 4 कैटेगोरीज में से आपको 3 RD कैटेगरी में कम से कम 80% टाइम देना चाहिए, जहां आप यूजुअली पर 5% या उससे कम देते हैं। 5. लीडरशिप, हर किसी का दुनिया में कॉन्ट्रीब्यूशन है और देने के लिए कुछ है। जब लोग ऑथर से पूछते हैं कि कैसे पता करें कि उनके लक में क्या है, तो ऑथर कहते हैं उन्हें लक के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह उन्हें खुद ढूंढ लेगा। हार्ड वर्क करते रहें और आपको अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि लाइफ में आपका पर्पस क्या है। लीडरशिप के लिए 3 फेज होते हैं। 1. थॉट लीडरशिप, एक लीडर का बिलीफ सिस्टम अलग होता है, उसकी थॉट प्रोसेस अलग होती है। एक लीडर जानता है कि फॉलोअर्स क्या नहीं जानते हैं। वे जानते हैं कि लोग केवल तभी शो करेंगे जब आप उनकी अप्रिशिएट करेंगे। एक लीडर चाहता है कि अदर लोग उनके विजन का अनुसरण करें। यदि आपके एम्प्लॉयज वह नहीं कर रहे हैं जो आप उनसे करवाना चाहते हैं, तब आपने उन्हें वह नहीं दिखाया जिसके थ्रू उन्हें इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड किया जा सके। आपको उन्हें विजन दिखाने की आवश्यकता है। 2. एक्सप्रेशनल लीडरशिप, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे हैं और आप जवाब देते हैं कि आप ठीक हैं, आपका रिस्पांस आपके बॉडी लैंग्वेज पर बहुत डिपेंडेंट करती है। यदि आपका रिस्पांस लेजी है तो आप लोगों से एक्सपेक्टेशन करेंगे कि वे आपके बारे में अधिक पूछें। लोग अटेंशन पसंद करते हैं, लेकिन यहां जो कोई भी सही मायने में सुन रहा है वह आपसे दूर चला जाएगा यदि उसे पता चलेगा कि आप हेल्थ के लिहाज से अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं, जो आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दे सकता है। विक्टिम मेंटालिटी में न जिए, इसके बजाय पॉजिटिव लुक से जवाब दें और आपकी बॉडी उसी तरह महसूस करेगी। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हैं, तो उन्हें बताएं कि आप वंडरफुल हैं। 3. पर्सनल लीडरशिप, हर कोई आपको देख रहा है। एक लीडर के रूप में आपको सब कुछ परफेक्टली करना है। यह चैलेंजिंग है, लेकिन आपको लीडर बनने की जरूरत है। आपको लीडर होना चाहिए, बॉस नहीं। सबके लिए मिसाल बने, अपने विजन से लोगों को इम्प्रेस्ड करें। आज आपने जो सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करें और लीडर बने। 6. पर्सनैलिटी अपग्रेडेशन, पर्सनैलिटी को अपग्रेड करने के लिए हमें अपने ऑरा को बढ़ना होगा, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑरा है क्या। क्या आपने देखा है कि एक मोमबत्ती पर एक छोटी सी लौ पूरे कमरे को रोशन करती है? मान ले कि आप वह लौ है और कमरे में जो रोशनी है वह आपका ऑरा है। हमें अपने ऑरा को साफ करने और इसके इफेक्ट को इंक्रीज की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। 1. बात, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। आपके शरीर में जो कुछ भी है वह यूनिवर्स में है, और जो यूनिवर्स में है वह आपके शरीर में है। आपने अक्सर देखा होगा जब हम खराब मूड में या गुस्से में हो तो नहाने के बाद हमारा मूड चेंज हो जाता है और हमारी ऑरा भी बदल जाता है। जब हम 5 तत्वों के साथ मिलते हैं तो हमारी ऑरा अफेक्टेड होती है। 2. मेडिटेशन एंड थॉट्स, जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप तुरंत अपनी ऑरा बदलते हैं।
जो लोग रेगुलरली मेडिटेट करते हैं उनके अफेक्ट का दायरा काफी बड़ा है। आप जिस भी धर्म के हों, आपको वह जप करना होगा जो आप कर सकते हैं। जब भी टाइम मिले प्रेयर करें। 3. ब्लेस पीपल। ब्लेसिंग क्या है? ब्लेसिंग एक विचार है। जब आप किसी के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो आप उन्हें ब्लेसिंग दे रहे होते हैं। यह शुरुआत में हमारे लिए कठिन होगा क्योंकि हम दूसरों को नेगेटिव रूप से जांच के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं, लेकिन हमें इसे पॉजिटिविटी में बदलने की जरूरत है। जब हम किसी को ब्लेस करते हैं, हम पॉजिटिव और एक अच्छे व्यक्ति बन रहे हैं। लोगों को ब्लेस करने को हमें अपनी हैबिट बना लेनी चाहिए। 7. वेल्थ क्रिएशन। इन प्रिंसिपल्स की हेल्प से जानेंगे कि किस तरह से आप पैसा कमा सकते हैं। 1. मेक मनी इम्पोर्टेंट। लोग कहते हैं कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर क्या इम्पोर्टेंट है? आप फूड, कपड़े, घर, हेल्थ के बारे में बात करते हैं, सब कुछ पैसे के साथ आता है। यदि आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है तो आपके पास यह नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई कार नहीं चाहता है तो उनके पास कार नहीं है। पैसे के मामले में भी ये सच है। आपको इस बिलीफ सिस्टम की आवश्यकता है कि पैसा इम्पोर्टेंट है। 2. लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी आती है और चली जाती है, और अगर आपको लगता है कि आप इसे कर सकते हैं तो करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज क्या कर रहे हैं, आप इसे 5 साल बाद भी करते रहेंगे। फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। आप अपने सपनों के कैरियर को तुरंत नहीं पा सकते हैं, लेकिन शुरू करें। आपको पैसे के कॉन्सेप्ट को सही तरीके से प्राप्त करना होगा क्योंकि पैसा इम्पोर्टेंट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कैसे की जाती हैं, आपको कैसे का जवाब नहीं देना है। आप नहीं जानते कि आप कैसे अमीर बनेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं। 8. रिलेशनशिप मास्टरी। अगर रिश्तों में डिस्टरबेंस होती है तो लोगों को एवरीडे की लाइफ के साथ काम करना मुश्किल हो जाता है। आपकी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाती है या आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन वे आपके बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं। एक रिश्ते में महारत हासिल करना इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं वे 6 तरीके जिनसे लोग आपको पसंद करेंगे। 1. एनकरेज पीपल टू स्पीक अबाउट देमसेल्व्स। भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है, लेकिन मोस्टली लोग कम सुनते हैं और ज्यादा बोलते हैं। आपको एक एक्टिव लिसनर होने की जरूरत है। क्वेश्चंस पूछें, इंटरेस्ट लें और उन्हें अपने बारे में अधिक बात करने के लिए एनकरेज करें। जितना ज्यादा दूसरे व्यक्ति को बोलने की परमिशन होगी उतना ही वे आपको पसंद करेंगे। 2. गिव पीपल टाइम। एक एक्सपेंसिव गिफ्ट जो आप किसी व्यक्ति को दे सकते हैं वह है आपका टाइम और अटेंडेंस। आपका टाइम लिमिटेड है और यही चीज इसे कीमती बनाती है। यह महसूस करें कि टाइम वैल्यूएबल है। पैसा आएगा और जाएगा, लेकिन आपका टाइम ही केवल एक ऐसी चीज है जो बस जाता है। यदि आपके रिश्ते में परेशानी है तो देखें कि क्या आप इसमें सफिशियंट टाइम लगा रहे हैं। मैरिज में कपल्स अक्सर एक दूसरे को टाइम देने में फेल होते हैं। टाइम देने से दूसरे व्यक्ति वैल्यूएबल फील करते हैं। 3. पे देम अ कॉम्प्लीमेंट। लोगों को खुद की तारीफ सुना बहुत पसंद है। यह ह्यूमन टेंडेंसी और नेचर है। अगर आपको किसी में कुछ पसंद है तो उन्हें बताएं। उनके लुक्स, नॉलेज, क्लोथ्स, कम्युनिकेशन स्किल एटसेट्रा की अप्रिशिएशन करें, लेकिन याद रखें कि यह एक रियल अप्रिशिएशन होनी चाहिए। 4. पीपल लाइक देयर नेम्स द मोस्ट। लोगों को अपना नाम सुनना बहुत पसंद है। व्यक्ति का नाम हमेशा उनके माइंड में रजिस्टर्ड होता है, और अगर कोई आपको आपके नाम से बुलाता है तो आप तुरंत जवाब देंगे और एक्सेसिव अटेंटिव रहेंगे। अक्सर लोग नाम ठीक से नहीं सुनने की गलती करते हैं, और जब वे अगली बार मिलते हैं वे या तो भूल जाते हैं या गलत तरीके से उनके नाम को बोलते हैं।
5. मेक पर्सन फील इम्पोर्टेंट। उन्हें सम्मान दें और उनकी तारीफ करें, उनकी बात सुने, उनमें जेन्युइन इंटरेस्ट लें, उन्हें टाइम दें, उन पे ध्यान दें, उन्हें गिफ्ट्स दें। जब आप ये सब करेंगे तो वे इम्पोर्टेंट फील करेंगे और वे आपको पसंद करने लगेंगे। अगर कोई आपके साथ ऐसा बिहेवियर करता है तो आप उस व्यक्ति को पसंद करने लगेंगे। 6. टॉक इन टर्म्स दैट इंटरेस्ट द अदर पर्सन। जब आप उनसे बात करते हैं तो उस सब्जेक्ट पर बात करें जो आप दोनों को पसंद है। स्टॉक मार्केट के बारे में बात न करें जबकि दूसरे व्यक्ति को इसमें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। वह आपसे कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएगा। तो आप कैसे जानेंगे कि दूसरे व्यक्ति को क्या पसंद है? उन्हें गौर से सुने और उन्हें पहले जान लें। जब कोई व्यक्ति बोल रहा होता है तो आपको स्पीकर के दिमाग में एक गहरी पहुंच मिलेगी। इस बुक में लिखी बातों को और अच्छे से जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से खरीद कर जरूर पढ़ें।